मोबाइल वाले हेलो ए भाई भाई चल आगे चार्ज हो यार मोबाइल वाले मर्दान ने उन अफसरान को चारसदर डिस्ट्रिक्ट के डिस्पोजल के ऊपर दिया, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन स्वाबी था, एसपी इन्वेस्टिगेशन मर्दान था, हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन थे चारसदर के थे, वो सब लोग और मर्दान रेंज की जो एक्सपर्ट जो सेलुलर एक्सपर्ट टीम है वो डिस्ट्रिक्ट चारसदर मंगल के दिन से 47 साल है वो प्राइम सस्पेक्ट। तीसरे दिन ही पुलिस को लगा कि ये मशकूक है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा शक था, लेकिन पुलिस के पास एविडेंसेस और विटनेसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और है, ताकि हम केस की जो बुनियाद है उस तक पहुंच सकें और किसी भी किस्म की कोई कोताही ना रहे। पुलिस ने जब प्राइम सस्पेक्ट को इंटरोगेट करना शुरू किया तो और अरेस्ट किया है और 100% केसेस को पुलिस ने प्रोफेशनली रिजॉल्व किया। अब ये जो केस था इसके अंदर हमारी जो पूरी टीम थी उस बंदे ने इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली इसको इंटरोगेट किया, इसकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, उस बंदे के बोलने को अंडरस्टैंड किया और फिर उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद हमने इसे पॉइंटेशन भी करवाई है। स्टेट ऑफ द आर्ट के हमें जो सर्च की गई थी पूरे गांव की लोगों की तरफ से और पुलिस की तरफ से, ये बंदा हमें उस ट्रैक से लेके गया क्राइम सीन के ऊपर जो के अनबीटन ट्रैक था, जो के पहले आम तौर पे रूटीन में यूज नहीं होता। किया गया था हाउस प्रोफाइलिंग के बाद कि पूरा जो शेख के लिए गांव है उसकी प्रॉपर एक हाउस प्रोफाइलिंग हुई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी हेल्प ली गई थी। और हाउस प्रोफाइलिंग के बाद जब इसको सस्पेक्ट क्लियर किया गया था, इससे पहले इसकी राउंड अबाउट 45 से 40 इस बंदे की जो है उम्र है, इसकी एज है, और गांव के अंदर ये अनमैरिड है और गांव के अंदर इसका काम ये था कि ये बस लोगों से पैसे मांगता था और ही इज़ अ सन ऑफ अ सॉइल, लाइक पूरे गांव के अंदर वो फिरता था और उसको ईट और उसको हर रास्ते का हर चीज़ का उसको बिल्कुल पता था और ज़हनी तौर पर ही थोड़ा पसे मान रहा है सर।